आप जो है पार्लियामेंट में कानून बना देंगे, लेकिन कानून को लगाने वाला कौन है? वो तो ऑफिसर है। और अगर ऑफिसर सामाजिक परिवर्तन के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो वो लॉ को कभी नहीं लगाएगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि दलितों को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मस्ट एंटर इन ब्यूरोक्रेसी। बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है। अगर संवैधानिक नैतिकता होती तो पुलिस और कोर्ट दोनों ही खरीद और फरोख्त के लिए खुले होते। के सागर भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, विश्व विभूति, भारत रत्न, राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस संभ्रांत सभागार में बैठे हुए, पहले हमारे साथी लोग जो है विकास बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग इंदौरा में बुलाते थे, लेकिन वो संभ्रांत सभागार नहीं हुआ करता था। तो आज ये संभ्रांत सभागार है, इसके लिए सचमुच बड़ा सुखद। और मंच आसीन डॉक्टर धनंजय, आई विल बी सेफ डॉक्टर जॉन, कोई नहीं नहीं, एंड ऑफ कोर्स आवर यंग फ्रेंड। फ्रेंड्स, इट इज इंडीड ए प्लेजर for me to be standing before you to speak on such a engaging text. And let me thank, first of all, the organizers to giving me this opportunity to come and be a part of this gathering, because kabhi kabhi jab kuch acha kaam hota hai to log bhul jate hain, aur agar वैसे ही कोई काम हो तो ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच धनंजय फॉर कॉलिंग मी इन पर्सन। वेल धनंजय, फॉर फाइंडिंग द टाइम टू कंप्लीट द बुक, आई थिंक इट्स रियली क्रेडिबल फॉर हिम, एंड ह्यूमनाइजिंग पावर, अंबेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड politics, I was trying to interview him that how did you think of this topic? Because when we talk about Baba Sahib Ambedkar, हम लोगों को आदत पड़ गई है अब एक रटा रटाया भाषण सुनने की, और उसमें आजकल जो विपक्षी है उसने भी समझ लिया है कि अगर बाबा साहब की तस्वीर लगा दो तो ये ताली बजाता रहेगा, और उसके बाद रटा रटाया भाषण। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो, बाबा साहब ने बुद्ध धम दिया, आप लोग जो है जा नहीं रहे हो, जय भीम जय भारत। और क्या ताली, कुछ लोग और पढ़े लिखे आए, उन्होंने कहा बाबा साहब ने आरबीआई की नींव रखी, बाबा साहब ने मेटर्निटी दी, बाबा साहब ने 8 घंटे दिया, अरे ताली, क्या जानता है आदमी। लेकिन मुझे लगा कि इस किताब में जो प्रश्न उठाए हैं वो एक बहुत वृहत फलक है, और इसलिए काफ़ी मेहनत करा दी, इन्होंने होमवर्क दे दिया हम लोगों को, लेकिन मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाया फिर भी। बट आई थिंक नो डाउट, लेट मी फर्स्ट एक्चुअली प्रेज अ लिटिल बिट धनंजय, बिकॉज आई थिंक धनंजय रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। आई नो थूल साहब इज सिटिंग देयर एंड हिज फ्रेंड्स आर सिटिंग देयर, एक्चुअली you know they act as a group, and in that context what I want to highlight is that though he is a practicing bureaucrat and at highest level, because
यू नो एंड दैट टू नाउडेज इनकम टैक्स एंड जीएसटी यू नो वेयर इज द टाइम एक्चुअली एंड इवन देन ही फाइंड्स अप टाइम एंड आई वाज आस्किंग हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू राइट दिस बुक एंड ही वाज टेलिंग दैट आई टुक 3 ईयर्स 3 साल अपना घर अपना अपनी नौकरी अपना घर और उसके बाद फिर समाज क्योंकि ये जो चिंतन आया है इस किताब में दिस इज आउट ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम द कम्युनिटी इट इज नॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड रादर इट इज इन एन इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट ही एक्चुअली ही हैज ट्राइड टू एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू नो अमेरिकन थिंकर सी राइट मिल्स एंड ही टॉक्स अबाउट यू नो बायोग्राफी हिस्ट्री and their interaction in society are 3 coordinates of sociological imagination. जो सामाजिक कल्पनाशीलता होती है वह आपकी बायोग्राफी यानी कि आपका जीवन वृत्तांत और आपका इतिहास और इन दोनों का समन्वय समाज के अंतर वहीं से आपकी चेतना प्रतिस्फुटित होती है जिसको लेकर आप ज्ञान का उत्पादन करते हैं और कहीं ना कहीं ये टीस रही होगी धनंजय में जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा होगा कि वास्तविकता में भारतवर्ष में सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में कुछ परिलक्षित किया जाए क्योंकि उनकी पहली किताब आ चुकी थी हाउ एक्चुअली यू नो पावर इज बीइंग मिसयूज्ड ऑलरेडी डीके किस तरह हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उधर से आ रहा होगा वो अपने आप उत्तर देंगे अगर मैंने सही पढ़ा है दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं धनंजय में जो एक एकेडमिशियन है वो छुपा हुआ है वो चाहे कितना भी उसको दरकिनार करे वो कूद करके बाहर आ जाता है एंड इट पॉप्स ऑफ एंड ऑन एक्चुअली And I can see that when he was in RTM, then he went to IIT Delhi, then he went to University of Chicago, and then he also goes to National Academy of Direct Texts, and actually keeps on producing texts. And we know that inheritance, hierarchy, and caste is already there in front of you, and then this is humanizing power is also there. So I think कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आपको एकेडमिक्स कर ही लेनी चाहिए हाँ नहीं मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं मुझे लगता है कि हमारी फ्रेटर्निटी में विकास बैठे हुए रजनीश थूल भी आ गए हैं ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जितने टीचर्स हैं हमारे यहाँ कमी है अच्छा पढ़ने वालों की आप आइए कम से कम संवर्धन होगा क्योंकि एक इल्जाम यह है कि अच्छा दिमाग जो होता है व्हाटएवर द बेस्ट टैलेंट इज एक्चुअली यूपीएससी टेक्स अवे हम लोग जैसे बचे रह जाते हैं बस केवल तो नहीं आप यकीन मानिए आप बताइए कि क्या टीचरों की शादी के लिए सबसे पहली पसंद होता है सबसे पहली पसंद माँ बाप आईएएस ढूंढते हैं दूसरी पसंद पीसीएस ढूंढते हैं तीसरी पसंद इंजीनियर चौथी पांचवी में कहीं पायदान में टीचर उचर आता होगा जो है तो इसलिए आई थिंक यू शुड लुक एट एकेडमिक्स सीरियसली सो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरलाइन द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ द बुक इफ यू लुक एट हिज डेडिकेशन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू हैव डेडिकेटेड योर बुक टू योर फादर आई थिंक एंड वाई फादर बिकॉज हिज फादर इंट्रोड्यूस बाबा साहब अम्बेडकर टू हिम विच स्टैंड नाउ आई थिंक That is very important lesson for all the youngsters who are sitting here. Please don't forget your legacy. मुझे पता है लोग मोछे पे ताव देते हुए आते हैं और कहते हैं मही तो revolution मुझी से शुरू हुआ है मुझी से खत्म हो जाएगा इसके तो पहले कुछ नहीं हुआ I think we should learn a lesson that unless and until you have a legacy, you cannot have a future. I think you should appreciate that legacy. जिसने नींव की ईंट रखी है अगर उसको हमने नहीं समझा तो फिर हम क्या बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं हमें नहीं पता है वो कब गिर जाएगी तो आई थिंक लेट्स तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेंबरिंग योर फादर एंड ही हैज नॉट फॉरगेटन हिज सन आल्सो एंड हिज वाइफ मदर एवरीवन इज देयर आई थिंक आई वुड हैव लव्ड टू सी बोथ ऑफ देम सिटिंग हियर बट आई थिंक प्रज्ञान The name Pragyan actually also suggests that the
रनिंग एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज देयर नॉट ओनली इन राइटिंग द टेक्स्ट बट इट लिविंग एक्सपीरियंस व्हेन यू नेम योर सन ऑल्सो इन दैट वे. सो आई थिंक दैट दैट लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम द बुक. सो देयरफॉर द यू नीड सम मोर एप्रिशिएशन फॉर आर्ट. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट व्हिच आई वांट टू टेल धनंजय इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट in this is that why we should look at the book, the function of the book, what is the real message and function of the book, iski bhumika kya hai samaj mein, is pustak ki bhumika kya ho sakti hai aur us bhumika ko hum kaise samjhe. Mujhe lagta hai ki jo iska significant aspect hai baba sahab ambedkar ka, it tries to deconstruct the reductionism of baba sahab ambedkar. Baba sahab ko abhi tak badi sankuchit drashti se dekha gaya, unko dalit masiha keh diya gaya aur kuch logon ne keh diya baba sahab samvidhan nirmata, usme bhi logon ko pareshani ho gayi. Aapko pata hai ek akhbar navis tha, usne worshiping the fall gods likhi thi aur aap logon ne uska muh idhar kahin. अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मंच पर हूं. तो उसमें भी परेशानी थी. एंड देयरफॉर आई कांग्रेचुलेट धनंजय दैट यू हैव ट्राइड टू डीकंस्ट्रक्ट दैट रिडक्शनिज्म ऑफ बाबा साहब अंबेडकर ओनली एज ए दलित स्टडीज मेंटर और दलित स्टडी प्रोड्यूसर. रादर यू गो बियॉन्ड, एक्चुअली यू गो बियॉन्ड, मच बियॉन्ड दैट. एंड पीपल रिड्यूस हिम ओनली टू कास्ट, genesis of caste mechanism and spread, or annihilation of caste. You ask anyone, you know, very profound. I went to give a lecture in Delhi School of University in sociology department, and when I spoke, so one of the teachers said that, oh, I have read Baba Sahib Ambedkar. If I said, what did you read? Or a very profound text I have read. What? The annihilation of caste. I said, annihilation of caste is not a profound text by Baba Sahib Ambedkar. Why? Because it was a lecture to be given to a journal masses, journal public. But of course, his capacity and unke andar jo jazb tha, especially academic jo jazb tha, wo itni bhari bharkam ho gayi ki usko log academic samajhne lage. That shows the strength of Baba Sahib's academia also. But वो तो general masses के लिए, जाति पाति तोड़क मंडल के आम जनता के लिए लिखी हुई किताब है. मुझे लगता है there are much more profound text of Baba Sahib Ambedkar. I think Dhananjay is trying to engage with him. I think that is one of the message, that how this book deconstruct the reductionism of Baba Sahib Ambedkar, which has tried to limit Baba Sahib Ambedkar only to caste and caste studies. Rather, it goes beyond. That is one of the message which I draw. The second message which I draw, the production of knowledge, which actually he is talking about, the academic scholar which Baba Sahib is, that the knowledge has an objective, it has a function, it is not end in itself. So Baba Sahib's production of knowledge is referential knowledge. It is always, it is not like kuch logo ne Bharat mein jitne bhashan diye wo sab knowledge ho gaya. Agar Baba Sahib ke bhashanon ki knowledge banani hoti to pata nahi kitni badi qatar ho jati. We are not talking about actually Baba Sahib ke diye gaye bhashan ki. No, we are talking about that how Baba Sahib produced referential knowledge with objective reality on the formal occasions. Chahe wo seminar ho, seminar mein jab koi aadmi padhta hai to bhashan thodi deta, wo reference se likhta. Whether it is knowledge in the seminars or he is producing knowledge while he is publishing the articles in journals or while he is publishing his books in the foreign, jab paschat deshon se unki kitabe chhap ke aa rahi thi to is tarah ki thodi. Aur wo phd jo likhi unhone, chahe wo
कोलंबिया में लिखी हो चाहे लंदन में लिखी हो, वो जितनी भी ज्ञान का उत्पादन है वो साथियों हमेशा उसके अंदर उद्धृत किए उन्होंने प्रमाण, बिना प्रमाण के लिए कोई भी उन्होंने ज्ञान का उत्पादन नहीं किया। इसलिए हमें एक सीख मुझे लगता धनंजय देना चाहते हैं, ये कपोल कल्पित कथाओं पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें सचमुच बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो उत्पादित ज्ञान है, द नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय बाबा साहब, वी शुड इंगेज विद इट। अब हमें कोई बाहर वाला आके नहीं समझाएगा कि बाबा साहब ने क्या लिखा। हमने बताया गेल को कि बाबा साहब क्या पहनते थे, क्या खाते थे, गेल ओम्बेट को हमने बताया, जो है एलेनार जीलियट को, कि बाबा साहब क्या करते थे, क्या खाते थे। अब हम सब उधर ही देखते हैं कि वही बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे बीच में रह करके यह ज्ञान का उत्पादन किया है, हमें पाश्चात्य। तो ये दो खास मैसेज आपके ज्ञान के उत्पादन इस किताब से मुझे मिलते हैं। नाउ आई कम टू द बुक फ्रेंड्स। हमारे पहले प्रशांत, ना प्रशांत बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं मैं रह नहीं सकता हूं कि मैंने इस किताब को कैसे देखा। द बुक एक्चुअली ह्यूमनाइजिंग पावर, अंबेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स बाय धनंजय इज पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबरी। मैं क्यों नाम ले रहा हूं ब्लूम्सबरी, क्योंकि ब्लूम्सबरी अभी अभी पाश्चात्य देश से, पहले इनका हेडक्वार्टर केवल न्यूयॉर्क में होता था या लंदन में होता था या सिडनी में होता था और या ऑक्सफोर्ड में होता था, अभी ये इंडिया में आ रहे हैं। तो आप जो है पहले ही अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं किताब पहनने से पहले। दूसरी बात ये जो है कि आपका अंतरराष्ट्रीयकरण एक और तरह से हुआ, क्योंकि देर आर 11 फॉरेन एकेडमिशियंस हु हैव ऑलरेडी रिटन द एंडोर्समेंट। 11 जो समाज विज्ञानी हैं वो सब बाहर के ही हैं, हम लोग नहीं लिखा। देखिए जितने 11 लोग हैं, इसीलिए शायद बुलाया कि विवेक अभी आप बोलिए आकर के। 11 समाज विज्ञानियों ने, यूरोप के और अमेरिका के 11 समाज विज्ञानी हैं जिन्होंने इसका एंडोर्समेंट लिखा है कि यह किताब कैसी है। तो आप ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय, और उसके बाद फिर एक अमेरिकन समाज विज्ञानी हैं स्कॉट स्ट्राउड, उन्होंने इसका फॉरवर्ड भी लिखा। तो 12 लोगों ने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में, एंड जॉन यू 13th सिटिंग हियर। सो ये किताब ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है, इसके 13 लोग लिख चुके हैं। एक तो पब्लिशर अंतरराष्ट्रीय और दूसरे इसको इंडोर्स करने वाले अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए किताब का जो सबसे बड़ा एक जो है, और प्रशांत आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है, 197 पेज की किताब है। हम लोग जब अकादमिक दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई कितना बड़ा किताब है, लेकिन 197 पेज बुक इज देयर, और जिसमें 3 पेज का इंडेक्स है और 3.5 पेज का बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की जो बात मैं कहने जा रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 20 वॉल्यूम जो बाबा साहब अंबेडकर के अब तक आए हैं वो 200 वॉल्यूम्स का उदाहरण, देयर आर रेफरेंसेस ऑफ ऑल द 20 वॉल्यूम्स इन द बुक, and therefore the books enriches and takes Baba Sahib's production of knowledge to different nooks and corners. If people do not know how many volumes of Baba Sahib Ambedkar has published, at least we can see that there are there. But what is more important for me to look, there are 69 other references. There are 69 references of the other scholars which has. That means there are, you know, at 89 to 90 references of the books and journals which have been there. But what is the length? 100
छह सालों की सामग्री इसके अंदर निहित है। इस 79 किताबों में 89 बुक्स में 106 वर्ष का जो सबसे पुरानी किताब है वो है जॉन ड्यूवी की 1916 एडिशन की जो किताब है जॉन ड्यूवी की वो है, और जो सबसे नवीन किताब है वो 2022। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे तो करीब करीब ये 106 वर्ष का अंतराल इनकी बिब्लियोग्राफी तय करती है। लोग लाते हैं किताब और जो लाते जो जो बोलते वही लिखी हुई, सब मैंने किताब पब्लिश की लीजिए, और बोरा भर भर के छपती हैं किताबें। लेकिन किताबों को हम किस तरह उनका आकलन करें कि ये सचमुच अकादमिक किताब है कि ये भाषण वाली किताब है? क्या हम सचमुच अपना पैसा तो नहीं खराब कर रहे, क्योंकि लिखने का ज्वर तो सबको होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस किताब को आप लोग दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे कि इसकी जो अकादमिक रिचनेस है वो कितनी है, एकेडमिक हाउ एकेडमिकली रिच दिस बुक इज, बिकॉज ओनली जस्ट सीइंग द बिब्लियोग्राफी इटसेल्फ यू कैन एंटर। ओके, तो ये एक फिजिकल जो था मुझे बताना था थोड़ा सा, और उसके बाद में इनके जो इन्होंने अपना किताब का जो कंपोजिशन किया है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लुक्ड एट। और मुझे लगता है कि जो अकादमिक लोग बैठे हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, या जो अकादमिक दृष्टि में भी नहीं है, दोज हु वॉन्ट टू राइट अ बुक, आई थिंक दे शुड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। दिस इज द वे द एकेडमिक स्ट्रक्चर शुड बी देयर, बिकॉज विदाउट कंक्लूजन हाउ कैन यू राइट अ बुक? जॉनी पीपल राइट एक्चुअली विदाउट कंक्लूजन, विदाउट, आप बहुत उपसंहार नहीं होता किताबों में, बहुत सी किताबें ऐसी आती हैं दे राइट द बुक विदाउट कंक्लूजन और विदाउट इंट्रोडक्शन, वह शुरू कर देते हैं बिना परिभाषा के शुरू। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए। एक जो 11 चैप्टर्स हैं, मैं इसको 11 पढ़ रहा हूं क्योंकि चैप्टर्स तो 9 हैं, एक इंट्रोडक्शन है और एक कंक्लूशन है, तो 11 जो है इसके अंदर चैप्टर हैं। आपको अगर पूरी किताब नहीं पढ़नी है, वैसे तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए तो कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल, नहीं मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, आप मत समझिएगा मैं कंक्लूजन पढ़ करके आ गया। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि मुझे दिखाई पड़ा कि जो चैप्टर आपका समझ में आ रहा था वो अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। लेकिन धनंजय के लिए पावर, व्हाट इज पावर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू धनंजय, मैंने जब पूछा था कैसे डिफाइन करते हो बताओ, मुझे मिल नहीं रहा है, बट उन्होंने कहा सर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे मिला। तो आई विल जस्ट, सबसे बड़ी बात यही होती कि अकादमिक किताबों में जो भी आप वेरिएबल आपने टाइटल में यूज करते हैं, जो भी आप एकेडमिक वेरिएबल टाइटल में यूज करते हैं उसको डिफाइन जरूर कीजिए, उसको परिभाषित कीजिए। यह नहीं कि आपने जो है एक वेरिएबल तो यूज कर लिया, एक तथ्य यूज कर लिया, लेकिन तथ्य की कोई परिभाषा नहीं होती, ये नहीं कह सकते आप। उसको परिभाषित करें कि आपके देखने का क्या नजरिया है, आप किस प्रकार उसको अवलोकित करना चाहते हैं, उसको किस तरह उल्लिखित करना चाहते हैं या व्याख्यायित कैसे करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वॉन्ट टू एनालाइज इट, हाउ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट, एंड देन हाउ यू वॉन्ट टू डिफाइन इट। इसलिए मुझे लगता है यहीं से शुरू करते हैं, द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑन पावर इज ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम। दैट मीन्स पावर इज नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच पीपल कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी across the time and space। हम लोग बहुत
पढ़ा करते थे, हम लोग के एक जो समाज विज्ञानी है मैक्स वेबर, वो परिभाषित करते, मैक्स वेबर ट्राई टू डिफाइन, यू नो, पावर इज नथिंग बट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इवन अगेंस्ट देयर विल। जब आप व्यक्तियों को उनकी सहमति के विरुद्ध बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं या बदल देते हैं, तब सत्ता का प्रयोग होता है। और सत्ता जो है वो, मतलब पावर इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी, ये भी वो बताते हैं। अगर लेजिटिमाइज पावर है तो वो अथॉरिटी है, यानी कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर कोई वैध आपका रास्ता है पावर को, यानी कि सत्ता को अपनाने का, तो वो अथॉरिटी में बन जाएगा। और कई बार ये जो अथॉरिटी है ये मिश्रित होती है, अलग अलग नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने वेरिएबल को डिफाइन किया। धनंजय पर्टिकुलरली एक्चुअली व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच धनंजय इज ट्राइंग टू हाईलाइट। जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, इसको बहुत लोग मतलब व्याख्यायित या नहीं कर पाए हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो समेकितपन है सत्ता का, एक तरफ सत्ता जो है वो आती है अनुष्ठानों से, यानी कि धर्म से, और दूसरी तरफ आ रही है जो है सेकुलर ऑफिसेस से। दो प्रकार की सत्ताएं हैं। और भारत में हुआ क्या है, भारत में जो लोग समाज के अंदर सत्ता में भरे हुए थे, वही लोग जा करके संस्थाओं में बैठ गए। पहले वो धर्म के अंदर अपनी सत्ता रखे हुए थे, दे वर हैविंग द पावर इन द रिलीजियस डाइमेंशंस और द से सोसाइटी, एंड व्हेन द सेकुलर इंस्टीट्यूशंस केम दे वर देयर। सो नाउ सत्ता का एकीकरण हो गया। अगर सचमुच हमारे यहां If there would have been democracy in our society, I think there would have been bifurcation of secular power and religious power. But what had happened in Indian society, the secular power and the social power, they have got mixed together. And therefore, there is also concentration of power. Aur Baba Sahib Ambedkar isi se ladna chahte the. Mujhe jo दिखाई पड़ा कि किस तरह हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में सोशियो रिलीजियस फेनोमेना के तहत हाउ द पावर इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। तो बहुत बड़ा प्रश्न मुझे लगता है धनंजय उठा रहे हैं, और जिसे कहना चाहिए एक पहली बार भारत में अगर क्वेश्चन करने का जिस प्रकार उन्होंने मादा उठाया है, चाहे वो क्वेश्चन कर रहे हो हॉब्स को, चाहे वो रूसो को क्वेश्चन कर रहे हो, हॉब्स को क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर वो हीगल को क्वेश्चन कर रहे हो, पाश्चात्य देशों के सभी लोगों को जो है वो क्वेश्चन करते हुए आते हैं। लेकिन इनकी किताब पढ़ते हुए मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं वो डब्ल्यू एन कुबेर को याद कर रहे होंगे। डब्ल्यू एन कुबेर एक्चुअली 1991 had written a very very profound text. I think W.N. Kuber's book is Ambedkar, a Critical Study. It was published in 1991, some 33 years back by People's Publishing Society. And I want to highlight here actually three very important political aspects. He talks about three aspects of Ambedkar's political thought, that Ambedkar has given three types of political thought. One, he talks about that parliamentary democracy is one, and second, political parties. The political thought of Ambedkar is also enshrined in political parties, and within political parties
which is further divided into two aspects. One is evolution of ideas in relation to parties, and second, formation of the opposition parties. So therefore, political parties can be combined together. The third aspect of his political philosophy goes to problems of international politics. So Babasaheb Ambedkar is not producing knowledge within the society, rather he is talking about the international arena as well. Again, the international perspective is divided into two. One, he starts with the Second World War. Babasaheb Ambedkar's production of knowledge begins with the Second World War. And third, the foreign policy of India. The foreign policy of India is also figuring in Babasaheb's political thought. Now, this brings me to the political thinker, that is the third aspect of Babasaheb Ambedkar as a political thinker. He is directly saying that Babasaheb Ambedkar as a political thinker. And in this, he gives direct discussion on the political thought, and I want to quote little bit from that. What he says about that? Ambedkar argued state. He is talking about how the political power emanates from the state and how Babasaheb Ambedkar is differing from Hegel, he is differing from Hobbes, and so on and so forth. So what he says that a state has to provide against the internal disorder and external oppression. अरे थोड़ा धीरे भाई. टीचर लोग जो शोर होता है तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं. So Ambedkar argued, what is a state? And he defined a state has to provide against the internal disorder and external oppression. And he did not consider state to be an absolute one. He did not argue, or he did not agree rather, with the idealist view of the state. And he argued that the way Hegel, Hobbes, they were arguing that, you know, state is only a march of God on the earth. Or they were talking about that state is end in itself. Rather, he says that no, state is a means to an end. That end has to be achieved by the state. So I think the power does not emanate from state, according to Ambedkar. Rather, it is the people who are giving power to the state, because state is made up of individuals. It is not an idea that Hegel was talking about onwards of supernatural power. That is not correct way, according to Babasaheb Ambedkar. Further, humanitarian power, what actually has been highlighted by Dhananjay, is actually from Ranade, Jinnah and Gandhi. I think very important aspect which you raise is that rights are protected not by law. I think here the morality question is very, very important. And he says that rights are not protected. Rights are protected not by law, but by social and moral conscience of the society. If the social conscience is such that it is prepared to recognize the rights which the law chooses to enact, the rights will be safe and secure. But if the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the term. ये जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार हैं, वो आपको डायरेक्ट अधिकार नहीं देंगे. आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? संविधान है, प्रविधान है, लेकिन व्यवधान कितना है? कितना व्यवधान है? ये क्यों? बाबा साहब वॉज वेरी वेरी क्लियर इन सेइंग दैट इफ द सोसाइटी
एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इज बीइंग रेज्ड बाय हिम दैट इफ द सोसाइटी इज नॉट रेडी देन हाउ कैन यू इंप्लीमेंट ए लॉ. एंड बाबा साहेब कोटेड लेनिन आफ्टर द ऑगस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया व्हेन लेनिन वॉज ट्राइंग टू लीड ए सोशल चेंज ही चेंज द ब्यूरोक्रेसी टोटल ब्यूरोक्रेसी. बाबा साहेब वॉज वेरी क्लियर दैट इफ अ ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अट्यून्ड टू द सोशल चेंज देन दे विल नेवर इंप्लीमेंट द लॉ. लॉ कैन बी मेड इन द लेजिस्लेचर बट हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट. आप संविधान आप जो है पार्लियामेंट में कानून बना देंगे लेकिन कानून को लगाने वाला कौन है? वो तो ऑफिसर है. और अगर ऑफिसर सामाजिक परिवर्तन के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो वो लॉ को कभी नहीं लगाएगा. और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि दलितों को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मस्ट एंटर इन ब्यूरोक्रेसी. बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि आपको जाना चाहिए क्योंकि समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है संवैधानिक नैतिकता का नितांत अभाव है. अगर संवैधानिक नैतिकता होती तो पुलिस और कोर्ट दोनों ही खरीद और फरोख्त के लिए खुले होते. दलित भी उनको खरीद लेता और समण समाज भी खरीद लेता. लेकिन हुआ क्या है कि ये जो पुलिस और कोर्ट ये केवल और केवल संवैधानिकता का संवैधानिक नैतिकता का इनके अंदर क्षरण नहीं है, ये जातिवादी भी है. और इसलिए ये समण समाज के तो बिकने के लिए तैयार हैं लेकिन दलित अगर इनको खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता. और इसलिए दलितों को जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए. दैट इज व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स टू अस द मोरालिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. अगेन द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू पावर इमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट व्हेन बाबा साहेब सेज दैट आई हैव नॉट टेकन और आई हैव नॉट बोरोड इक्वालिटी liberty and fraternity from French Revolution. Why actually? Baba Sahib was very categorical that I have not taken it from, humne Francisi Kranti se nahin liya hai. Humne, I have taken this from my master, the Buddha. Why? Because in France, the slogan is political. And that is why what has happened in France. He gave example, I think if you read the article, A Plea to Foreigners, volume 9, A Plea to Foreigners, that why did democracy fail in Europe? Ye jo Spain mein hua, jo Italy mein hua, kis tarah wahan par जो प्रजातंत्र था वो किस तरह फेल हुआ बाद में जर्मनी में रशिया में लगातार. व्हाई डिड डेमोक्रेसी फेल इन वेस्टर्न सोसाइटी? बाबा साहेब अंबेडकर टॉक्ड अबाउट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वेस्टर्न सोसाइटी. दे थिंक दैट इट इज बी ऑल एंड ऑल. वन ऑफ कोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वन. Second, he is talking about adult suffrage. Adult suffrage is also an regular election. Chunav hona jo hai, wo bhi ek characteristic hai wahan ki democracy ka. Lekin do unhone karan bataye aur. Ek karak tha recall aur panchwa tha plebiscite. To ye jo 5 karak the, इसको ही लोगों ने समझ लिया कि इट इज बी ऑल एंड ऑल ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन बाबा साहब ने कहा यह तो पूरा नहीं है. दो और चीजें हैं पाश्चात्य देशों में जिसको वहां के लीडर्स ने
एनालिसिस नहीं किया. वन वॉज आइडियोलॉजी एंड अनदर वॉज ऑर्गेनाइजेशन. दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी. आइडियोलॉजी में बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया कि फ्रांस में यद्यपि समानता तो आई, आपने फ्रीडम दिया सबको कि सब समान हैं, लेकिन इस स्लोगन ने, इस विचारधारा ने इक्वालिटी को खत्म कर दिया, समानता को ही खा लिया. और क्योंकि फ्रीडम जो था वो सब तरफ लागू हो गया तो उसने समानता को देखा ही नहीं और फ्रीडम खत्म हो गई. और स्टेट ने जो प्रोड्यूस किया वही खाओ ब्रेड, और जो स्टेट ने जींस बना दी वही पहनो. तो वेयर वॉज द फ्रीडम एंड सिविल सोसाइटी वॉज रेलीगेटेड टू पेरेफरी. बाबा साहब ने इन दोनों ही चीजों का एनालिसिस करते हुए कहा कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इज ट्रिनिटी. इन तीनों को समान जो है आधार पर लागू किया जाएगा. अगर ये समान आधार पर नहीं लागू होंगे तो इनका कोई माने नहीं रहेगा. और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो बुद्धिज्म में जो अच्छी बात है कि जो फ्रेटर्निटी है दैट इज हायर, एट ए हायर पेडेस्टल, उसका उच्च स्थान है. व्हाई? बिकॉज यू कैन मेक ए लॉ फॉर इक्वालिटी. आप समता के लिए तो कानून बना सकते हैं, आप लिबर्टी स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन भाईचारे के लिए तो कानून नहीं बना सकते. वो वाला भाईचारा नहीं जिसमें हम आपको भाई समझे और आप हमको चारा, तो हो चुका भाईचारा. वो वाला नहीं, वो वाला भाईचारा नहीं. भाईचारा जिसके अंदर सचमुच आप हमारे दुख को दुख समझें, आप हमारी खुशी में खुशी हो. यहां तो क्या होता है, आपने अच्छी व्हाइट कलर की कार खरीद करके अपने घर के सामने खड़ी तो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कहे हो तो आकर के वो ईटा मार के तोड़ दे शीशा आपका. ये दलित लोग तो बहुत आगे निकले चले जा रहे हैं. तो भाईचारे के लिए आई थिंक वेयर योर कंट्रीब्यूशन बिकम सेमिनल दैट ही कम्स टू एक्चुअली टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. वन इज रिकॉन्स्ट्रक्शन वेयर यू कोट बर्टन्ड रसल एंड सेकेंड कार्ल मार्क्स और बुद्धा. दोनों ही बड़े सेमिनल आर्टिकल हैं और मुझे लगता है कि जो हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा उनको कम से कम बाबा साहब को थोड़े दिन के लिए जाति पर पढ़ने से रोक देना चाहिए और बाबा साहब के दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए. टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट बाबा साहेब, यू नो, उनके ज्ञान का जो फलक है, द होराइजन ऑफ हिज नॉलेज, डोंट लिमिट हिम ओनली टू कास्ट. बहुत बड़ा लड़ाई नहीं कर पाते लेकिन मैं तो चाहता हूं दिस रिडक्शनिज्म शुड गो, वी शुड ब्रेक. ज्यादा रिजर्वेशन की बात करेगा वो भी कहेगा 10 साल के लिए. अरे भाई बताओ तो कौन सा, लेकिन कोई नहीं. तो इसलिए आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट बाबा साहेब टॉक्ड अबाउट दैट फ्रेटर्निटी हैज टू बी गिवन और हैज टू बी पुट एट ए हायर पेडेस्टल. और उसके लिए ही डिसएग्रीड विद बुद्धा कार्ल मार्क्स. ही डिसएग्रीड विद कार्ल मार्क्स बिकॉज व्हेन ही वाज कंपेयरिंग कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा एंड यू हैव राइटली टॉक्ड अबाउट दैट देयर इज वन वे और देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वेयर बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स डिफर अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब अम्बेडकर. And one characteristic, that characteristic is the change. The change, whether you need violence for the change ya dusra dictatorship of proletariat. Ye dono mile hue yug hain. Baba Sahib said, no, I will not allow the dictatorship of proletariat because it is given by Buddha himself. Nahi, mujhe dictatorship nahi, mujhe to सब चीज. एंड दैट इज व्हाई ही राइट्स, यू हैव कैटेगोरिकली रिटन धनंजय दैट बुद्धा विश्व के पहले ऐसे क्या कहना चाहिए थिंकर हैं जिन्होंने
डेमोक्रेसी को उनके सभी कारकों के आधार पर स्थापित किया, चाहे छोटे लेवल पर परिभाषित किया और उसको स्थापित भी किया। वो कहानी सबकी सुनी होगी, संघ के अंदर टोपी आई और उन्होंने टोपी नहीं पहनी, मैं नहीं बताना चाहता हूं उसको। उन्होंने कहा बुआ से कि भाई अगर सबके लिए टोपी लाई हो तो मैं पहन लूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा, क्योंकि संघ में सब बराबर हैं। दैट वॉज द डेमोक्रेसी। एंड इन दैट बाबा साहेब राइट्स दैट हाउ मोशंस वर मूव्ड, हाउ दे वर वोटेड एंड हाउ दे वर डिफीटेड एंड देन एक्सेप्टेड। सो देयर वॉज टोटल मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इन संघर्ष, संघ के अंदर बाकायदा पूर्णतः जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्यक्रम हुआ करते थे। ये मुझे लगता है कि आपने बताया। लेकिन जो बाहर की डेमोक्रेसी हुई उसके अंदर क्या था, संगठन जो बाबा साहब ने बताया कि विचारधारा, जो समानता की विचारधारा थी, उसने जो है समानता नहीं पैदा होने दी और फ्रीडम ने समानता को खा लिया। लेकिन संगठन एक बहुत बड़ी बात थी, ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज की संरचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हैज टू बी ऑल्सो लुक्ड एट। बाबा साहब ने कहा प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए सामाजिक संरचना की आवश्यकता हमें देखनी पड़ेगी। कैसे? बाबा साहब ने बताया कि बाय डिजाइन एनी सोसाइटी, कोई भी प्रजातंत्र अगर है उसके अंदर, कोई भी समाज है उसके अंदर दो वर्ग होते हैं, वन इज रूल्ड अनदर इज रूलर, दो हैं। होता क्या है कि बाय डिजाइन जो रूल्ड होते हैं वह प्रजातंत्र के मूल्यों के आधार पर सत्ता पर एकीकृत हो जाते हैं, मोनोपोलाइज करने लगते हैं। दे मोनोपोलाइज द पावर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। देर आर टू ग्रुप्स, वन इज रूल्ड एंड अनदर इज रूलर। द रूलर आर वेरी क्लेवर एंड थ्रू द वैल्यूज ऑफ द डेमोक्रेसी दे स्टार्ट मोनोपोलाइजिंग द पावर। अब अगर वो मोनोपोलाइज कर लेते हैं, बाय नेचर बाबा साहेब इज सेइंग, बाय नेचर डेमोक्रेसी इज दैट वी ऑल, जितने भी हम लोग बैठे हैं, अपना वोट डालने को डेमोक्रेसी के अंदर अपना कर्तव्य मानते हैं कि हम वोट तो डाल लेते हैं, वोट डाल दिया हमने, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया प्रजातंत्र के अंदर। बाबा साहब ने कहा ये तो जो संगठन है, संरचना है, ये गड़बड़ बात है, ये उसी की गिरावट है। क्योंकि जो रूल्ड है, यानी एक तरफ जो राजा है और जो रंक है, रंक के अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी होती है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो गवर्न नहीं कर पाएगा। जबकि प्रजातंत्र उसको उतना ही हक दे रहा है कि तुम भी बैठ सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने कभी जो है, जिसको हम लोग बोर्दियो के देश में कहते हैं कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी, उसके पास कभी अनुभवी नहीं है कि वो रूल कर पाएगा, और इसलिए वो सोचता भी नहीं है कि मैं भी सत्ता तक पहुंच सकता हूं। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने, साथियों, जब साउथ बरे कमेटी को अपना ज्ञापन दिया तो उन्होंने स्वप्रतिनिधित्व की बात करी, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की, विच इज ए गुड गवर्नमेंट। बाबा साहब ने कहा ए गुड गवर्नमेंट इज नॉट ओनली दैट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, ए गुड गवर्नमेंट इज दैट विच ऑल्सो गिव्स सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, स्वप्रतिनिधित्व। कब तक आप हमारे बिहाफ पर बोलते रहेंगे? हमें भी तो अपने बिहाफ पर बोलने का हक होना चाहिए, हमको भी जो है राज करने का हक होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा डेमोक्रेसी कैसे आएगी इफ देयर इज रूल्ड हु इज ऑलवेज रूल्ड एंड द रूलर हु इज ऑलवेज रूलर, देन हाउ कैन डेमोक्रेसी बी देयर। देयरफॉर द बैटन शुड चेंज द हैंड, द रूलर शुड बिकम द
the ruled and the ruled should become the ruler. If these changes keep on taking place, then and then only a fruitful democracy will be there. Last point. I think I've taken time. Last point जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये कि धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात यह करी है. क्या धर्म and I think you were also talking this, क्या whether religion can be a source of change. और मुझे लगता है यहां पर धनंजय ने वेस्टर्न थिंकर्स को और बाबा साहब को आमने सामने खड़ा कर दिया ना चाहते हुए भी. बिकॉज ही सेज दैट बर्टन रसल इज वन ऑफ द थिंकर्स हु थिंक दैट रिलीजन हैज नो कैपेसिटी टू चेंज, रादर इट इज डिस्ट्रक्टिव. एंड आई कैन ऐड हु एल्स देन अदर देन कार्ल मार्क्स हु टॉक्ड अबाउट रिलीजन इज ओपियम ऑफ द पीपल. तो दैट मीन्स एक्चुअली रिलीजन कैन नॉट चेंज. But Baba Sahib is very categorical that no religion can lead a change, which is important. And for this, I think you must have referred Baba Sahib's one of the very important article in volume 5, that is Away from Hinduism. And Baba Sahib, Rajneesh, Baba Sahib is quoting Durkheim. Baba Sahib is quoting Weber. Because Baba Sahib is quoting Weber, Karl Marx, Weber, Durkheim, जो हमारे यहां समाजशास्त्री बैठे होंगे वो देखेंगे कि बाबा साहब की जो विद्वता है, अकादमिक क्षमता है, उस समय he was quoting Lyotard. Gabriel Tarde, 1916 he was quoting Gabriel Tarde, and Latour quotes actually Gabriel Tarde in 1950s. And Gabriel Tarde was much more developed a sociologist of France than even Durkheim. I'm just trying to argue that look at Baba Sahib's repertoire of references, and that is why Perry Anderson, the Californian historian, says that to read Ambedkar is to reach in a different world. He was head and shoulder above to any Indian thinkers of at that time. So, Bertrand Russell and Karl Marx, they are saying that no, it is not. But Baba Sahib Ambedkar is saying that you have to first define the religion. And Baba Sahib says that there are two aspects of religion. One is theology and another is ritual. The problem with the individuals is that wo anushthano ko, they think ritual is religion and they forget about theology. But he says that I'm not, but he talks about actually, you know, different types of mythologies. He talks about four types of mythologies. The civil mythology, the mythical civil mythology, and he is talking about the mythical mythologies, and then also the natural mythology and the different other aspects of mythology. Now he is saying that how you have made religion. And therefore, religion, the term as John was talking about, is a misnomer. And therefore, he tries to differentiate between Dhamma and Dharma. I am not going into that detail, but what is important that he comes to the function of religion. And he takes sub Durkheim that how that function of religion is important for the emancipation of the people, because the function of the religion is always social. It is never individual. Religion is just like a language which is required for everyone to interact and to go forward in the life. So for Baba Sahib Ambedkar, religion is never individual. It is always social, and that is required for social control. And I was actually quoting from you
दैट देयर इज लॉ इज नॉट ओनली द पावर विच विल कंट्रोल, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो, एंड रिलीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पावर. और इसलिए धनाढ्य से धनाढ्य आदमी जा करके धर्म के चरणों में झुक जाता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है. इसलिए साथियों धर्म की ये जो मान्यता है, बाबा साहब ने इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जो गवर्न कर रहे हैं. एंड आई थिंक धनंजय हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, वन इज मोरालिटी एंड अनदर इज इथिकैलिटी. बोथ इज बीइंग, इफ अ रिलीजन हैज मोरालिटी, इफ अ रिलीजन हैज इथिकैलिटी, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर द इमेंसिपेशन. बट फ्रेटर्निटी, द क्वेश्चन ऑफ फ्रेटर्निटी, आई थिंक वॉट बाबा साहब इज ट्राइंग टू आर्ग्यू, वेन लास्ट जो उनका भाषण है जिस दिन वो संविधान को दे रहे हैं, कि हाउ हैव टू बी ट्रांसफर्ड एक्चुअली द पोलिटिकल डिमोक्रेसी इन टू सोशल एंड इकोनॉमिक. अगर ये तीनों के बीच में संबंध बराबर का नहीं होगा तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं होगा. इक्वालिटी अगर ज्यादा है तो फ्रेटर्निटी और लिबर्टी खत्म हो जाएगी, लिबर्टी ज्यादा है तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी खत्म हो जाएगी. और इसलिए तीनों में बराबर का संबंध होना जरूरी है. लेकिन मैं लास्ट बात जो छोड़ करके जाना चाहता हूं, आई डोंट नो व्हाई धनंजय डिड नॉट लुक द इंडोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर, स्पेशली when baba saheb ambedkar comes to the idea of nation and nation building and he is talking about self representation or especially empowerment of women. I think if you look at how baba saheb ambedkar begins with atharveda and also when he is talking about who were the shudras, he is not related to only, he is not reduced to rigveda. Rigveda Purusukta 10th Mandal, how Baba Sahib highlights that Rigveda Purusukta ka 10th Mandal, Yad Purusham Vyavadav Kadida Vaikalpavan Kimas Mukh Kau Bahu Kau Rupaduchet Brahmado Mukham Asit Dui Bahu Rajan Krita Ur Tadasya Dvaishpadabhyam Shudra Jayat. Baba Sahib ne kaha, ye jo sukt hai, ye, this is not in meter, and also the whole verses of the Rig Veda, they are in narrative style and only these two verses are in question form. Pura ka pura Rig Veda narrative mein likha gaya aur ye do verse jo likhe gaye hain, ye jo hai question answer session mein. Jo maine bola na, yad purusham vyavadau kadida vaikalpavan, jis purush ki aapne kalpana ki hai, wo kaisa hai, kimas mukh, kaise mukh hai, कौ बाहु, उसका बाहु कैसा है, कौर उर पेट और पाद उच्चेत, उर और पैर से कौन पैदा हुआ, और आंसर है ब्राह्मणों मुखम आसीत, ब्राह्मण मुख हुआ, उर तदस्य द्वाय, यानी वो बोल रहे हैं दुई बाहु राजन कृता, क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में नहीं है, राजन शब्द है और हम लोगों को क्षत्रिय पढ़ाया जा रहा. बाबा साहब ने कहा इसलिए ऐसा लगता है इट इज लेटर एडिक्शन इन the Rigveda to prove the social structure and hierarchy of the Indian society. So mujhe lagta hai ki yajurved ko hum logon ko theek se baad mein baba sahab ka ek bahut acha jo mujhe laga wo aapke power aur humanity mein bahut aana chahiye wo hai mahilaon ke sashaktikaran ke liye jo baba sahab ne इंडोलॉजिकल सोर्सेस को देखा, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सरौता सूत्र हो, चाहे वो पाणिनीस अष्टाध्यायी हो, पातंजलिस महाभाष्य हो, और पब्लिक डिबेट्स बिटवीन जनक एंड सुलभ, याग्वल्क एंड मैत्री, याग्वल्क एंड गार्गी, और उसके बाद फिर बहुदायन, ग्रह सूत्रा,
कौटिल्यास अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जो पितृ सावरण से मातृ सावरण, आई थिंक देयर इज ए वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडोलॉजिकल सोर्सेज विच बाबा साहेब हैज रेफर्ड टू डीकॉन्स्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ द इंडियन वुमेन, नॉट दलित वुमेन, इंडियन वुमेन, एंड देन ही ट्राइज टू empower them for the nation building. So I think your exercise is fruitful because humanizing power is not end in itself, rather it is a means to an end. The Westerners may not like the idea of nation building, but friends, I think for Indians, especially for the downtrodden of India, nation was a very, very important category. Rather, it was a very, very important institution. Because unless and until nation had emerged, constitution would not have been there. And had there not been a constitution, there would not have been rights for the people. Baba Sahib said, what exactly state governs? State polices only the rights of the people. And if there are no rights, how can there be a nation? Therefore, rights have to be established. And I think constitution was one of the mechanism to establish the rights on the basis of which nation has emerged. And therefore, nation in South Asia, especially, I take India as an emancipatory agenda, as an emancipatory concept. In Western society, one language, one region, one religion was the idea. But here, nation has a very different idea, and I think Baba Sahib Ambedkar was fulcrum of debating with the constitution. Therefore, I think you deserve a really big applause with standing ovation that you have put the agenda for us to take forward. Thank you so much, Mutandre. I think we should all clap and really